सैनी महाकुंभ है, बड़ी खुशी की बात है, बट ये सैनी महाकुंभ ना हो के कुछ लोगों का कुंभ हो गया है। इसमें मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, जवार सैनी जो जींद से है, जींद में उसकी कोई कदर कोई पकड़ नहीं है, यहाँ पे आके कैथल जिले के पूरे सैनी समाज का उसने बेवकूफ बना रखा है। चार दिन से वो यहाँ पे है, जो हमारे साथी दो महीने से मेहनत कर रहे थे उन सब को मंच के ऊपर स्थान नहीं दिया गया, उसी ने लिस्ट बनाई है। तो जवार सैनी ने पूरे प्रोग्राम को हायर कर रखा है। मैं पालाराम सैनी, जिसने हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा चंदा दिया है 2,21,000 रुपये, वो भी यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, उसका भी मंच के ऊपर स्थान नहीं है। जैसे जवार सैनी जो यहाँ का जिला अध्यक्ष है, रिंकू सैनी और एक दो लोग और हैं जींद के, जिन्होंने वहाँ भी गड़बड़ करी थी और यहाँ भी गड़बड़ करने की तराक में है, ये समाज का प्रोग्राम नहीं है, ये तो कुछ लोगों का प्रोग्राम है। जबकि हमारे गुरु की जो जयंती है वो 20 तारीख को है, बट कुछ लोगों ने इस प्रोग्राम को हाई जैक करके बेवकूफ बना रखा है समाज का। समाज के भोले भाले लोग ये धक्के खा रहे हैं, इतनी जगह छोटी जगह पड़ गई है। जब ये पता था लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो बड़ी जगह करते, लेकिन जवार सैनी ने, रिंकू सैनी ने, इन कुछ लोगों ने, संदीप सैनी ने पूरे समाज का बेवकूफ बनाया है। समाज के नाम पे दो महीने से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जब ये प्रोग्राम सरकार ने हायर कर लिया तो फिर चंदा इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? वो चंदा जाएगा कहाँ पे? जब ये सरकारी प्रोग्राम है तो चंदा क्यों इकट्ठा किया? कल मेरे से भी 2,21,000 रुपए का चेक लिया गया है। तो ये सारा का सारा एक ड्रामा है, सोचा समझा ड्रामा है। मैं मुख्यमंत्री जी से बारे में बात करूंगा, मुख्यमंत्री बिल्कुल सही है, ईमानदार है, हमारे समाज की शान है, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रोग्राम को हाई जैक करके सारे समाज का बेवकूफ बनाया है। नैब सिंह सैनी को आपने कहा होगा? नैब सिंह सैनी को मैंने कहा, नैब सिंह सैनी मेरे को मंच पे ले गए, लेकिन जवाहर सैनी ने देख के उसी टाइम पुलिस को बोला इसको नीचे भेजो। जो नैब सिंह सैनी कोई फॉल्ट नहीं, कोई कसूर नहीं है, वो तो ईमानदार और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उन जैसा मुख्यमंत्री आज तक कोई बना भी नहीं है, लेकिन जवाहर सैनी ने देखते ही वो कहा पुलिस को कि इसको बाहर भेजो। तो इन लोगों की क्या मंशा लगती है सर? इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है समाज के प्रति। अरे एक आदमी पूरे हरियाणा के अंदर, कि मेरे को ये तो बता दो कोई आदमी जिसने 2,21,000 रुपए दिए हो। बालाराम सैनी ने समाज को 2,21,000 रुपए दिए हैं, जींद में सैनी महाकुंभ हुआ था वहां मैंने 2,11,000 रुपए दिए थे, और ऐसे आदमी को अगर यहाँ ठोकरें खानी पड़ रही हैं तो कहाँ का प्रोग्राम होया, कहाँ गुरु की जयंती हुई है? कैथल में प्रोग्राम था ये, और आप जैसे जो कैथल में मेरे से बड़ा कोई राजनीतिक चेहरा भी नहीं है, जिस व्यक्ति ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है वो व्यक्ति तो आज कहीं का भी नहीं है। जब उस व्यक्ति का मंच पे स्थान नहीं है तो किसका मंच पे स्थान होगा? ये प्री प्लान था जवाहर सैनी का, रिंकू सैनी का, संदीप सजुम्मा का, एक दो लोग और हैं जिनका ये प्री प्लान था। इनका मकसद था कि इन लोगों की हम इंसल्ट करेंगे, बेइज्जती करेंगे, और जबकि आप समाज को, मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों से आप हिसाब लो। तो समाज को क्या कुछ, ये यहाँ पे खाने का जो प्रोग्राम है सारा सरकार का है, जो टेंट लगा है सारा सरकार का है, बैनर झंडे सारे सरकार के हैं, लेकिन ये जो 2 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है ये कहाँ गया? ये पैसा कहाँ गया? कहाँ लगाएंगे इस पैसे को जब ये प्रोग्राम सरकार ने हायर कर लिया है? हैं जी, जयंती में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? कौन? मैं जयंती के बीच में खड़ा हूँ, मैं तो जयंती के बीच में खड़ा हूँ, और सबसे पहले कैथल में महाराजा सूरसैनी की जयंती मनाने वाला, और आज तक कैथल के अंदर महाराजा सूरसैनी की जो शोभा यात्रा है वो पालाराम सैनी ने निकाली थी, ना उससे पहले किसने निकाली, ना अब तक निकाली, और अब भी 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर मैं निकालूंगा शोभा यात्रा, आज तक किसी ने नहीं निकाली। टोटल पैसा 2018 में मैंने खुद खर्च किया था, अपने बलबूते पे करी थी, समाज ने मेरा सहयोग किया था, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने इस समाज का बेवकूफ बना रखा है। सैनी समाज ईमानदार मेहनती समाज है, हमारा मुख्यमंत्री मेहनती है, हमारे समाज की शान है, लेकिन जवाहर सैनी जैसे, रिंकू सैनी जैसे, और अपना क्या नाम है, राजेश दहिया जैसे, इन लोगों ने समाज का बेवकूफ बना रखा है। अशोक सैनी जींद से, और विजय गोराण जो पहले जिला अध्यक्ष थे
प्रदेश अध्यक्ष थे उन लोगों को भी तोहीन है, वो इस प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं। जींद वालों ने हाईजैक कर लिया कैथल का प्रोग्राम। कुछ जींद के हैं, कुछ कैथल के हैं, उन लोगों ने इस प्रोग्राम को हाईजैक करके समाज के जो मेन बुद्धि आदमी हैं उनकी इंसल्ट है, उनको मंच पे स्थान नहीं दिया जाए। सैनी महाकुंभ नाम था, उसके बाद महाराजा शूरसेन की जयंती। ये सब प्री प्लान जवाहर सैनी का है। जवाहर सैनी ने सारा भांडा फोड़ किया है, सारा नुकसान उसने किया है। हमने कहा था कि महाराजा सूरसैनी के नाम पे कॉलेज मांगो, उसी ने प्लान कर दिया चेंज। उनके तो मांग नहीं सकते जी, दे नहीं सकते, ये है। आज मुख्यमंत्री है नैब सैनी जी, क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं, हमारा भाई सक्षम है, हमारा भाई देने में। लेकिन इस आदमी ने अपनी चापलूसी अपने नंबर बनाने के लिए मुख्यमंत्री को भी गुमराह किया है। ये तो एक राजनीति स्टंट बनाया गया है कुछ लोगों के द्वारा। ये कुंभ कहाँ है? सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम नहीं है ये। ये तो कुछ लोगों ने अपनी वो बना ली है राजनीति का अखाड़ा। जबकि महापुरुष की जयंती होती है वो छत्ती बिरादरी की होते हैं, महापुरुष तो छत्ती बिरादरी आती है। ये जिन लोगों ने मैनेजमेंट करी है ये 101% मैनेजमेंट फेल है। लोग धक्के खा रहे हैं। इन्होंने ये कहा था कि हम 50,000 लोगों के लिए खाना बनाएंगे। लोगों के लिए कहाँ खाना है, आपके सामने धक्के खा रहे हैं लोग। और जो ये महाकुंभ जींद हुआ था, जींद महाकुंभ इतना बढ़िया हुआ था, वहाँ पे विधि विधान से अशोक सैनी, विजय गोराण, जिन लोगों ने बढ़िया तरीके से ये प्रोग्राम किया था, लेकिन वो लोग आज इस प्रोग्राम के अंदर नहीं हैं। जिस बैनर के नीचे प्रोग्राम हुआ था, दूसरे साथियों ने दूसरा बैनर बना के उसके नीचे ये प्रोग्राम हो रहा है। जबकि सही मायने में जो बैनर था वो तो आज यहाँ पे है ही नहीं है, आ ही नहीं रहे वो साथी। तो उन साथियों से तो पूछो बेचारों से जिन्होंने जींद के अंदर पिछली बारी प्रोग्राम किया था 4 महीने मेहनत करके। ये कुछ ड्रामेबाज हैं जिन लोगों ने ये मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो कर रखी है। 200-200, 250-250 किलोमीटर से मेरे समाज के लोग आ रहे हैं। मेरा समाज मेहनती है, मेहनत का समाज है, सैनी समाज ईमानदार समाज है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ समाज का बेवकूफ बना दिया। आप जींद से आपने प्रोग्राम देखा, कितना फर्क लगा? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से महाराजा सूरसैनी की जयंती पर सभी देश प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। यह जो कार्यक्रम जो सरकार ने सभी महापुरुषों की जयंती पर रखा है ये मतलब काबिले तारीफ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का कार्यक्रम की व्यवस्था की है, मैं मतलब सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं और नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। लेकिन मैं तो एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से हमने पिछले साल को में जो आयोजन किया था महाराजा सूरसैनी की जयंती पर, जींद के अंदर सूरसैनी की जयंती पर पूरा हमने सैनी महाकुंभ का आयोजन किया था, लेकिन वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। कुछ न कुछ व्यवस्थाएं यहां पर फेल हैं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। हालांकि ये सरकारी कार्यक्रम है लेकिन आम जन जो मतलब इतनी दूर से 200-250 किलोमीटर से आया हुआ है वो ना तो कार्यक्रम स्थल तक पहुंच पाया है ना खाने की व्यवस्था तक पहुंच पाया। चलो कोई बात नहीं, खाने की व्यवस्था चलो ठीक है, लेकिन अपने आदरणीय प्रिय नेता श्री नायब सिंह सैनी के विचार भी नहीं सुन पाया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के हाथ में मैनेजमेंट था उनका क्या ये मकसद रहा है कि लोगों को इस प्रकार से परेशान करना, क्योंकि उनको पता था कि मतलब सैनी समाज की आबादी लगभग 8-9% हरियाणा के अंदर है, इस प्रकार से परेशान करना ये कोई अच्छा काम है नहीं। अगर इस प्रकार का आयोजन रहेगा तो आगे आने वाले समय में तो भीड़ पर भी प्रभाव पड़ेगा। जी, मेरा नाम जसवीर सैनी है, मैं जींद से हूँ। जिस प्रकार से बिरादरी का ये कार्यक्रम किया गया सैनी महाकुंभ के नाम से, और इस प्रकार से लोगों को गुमराह किया गया, अंदर घुसने की जगह नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। हमने पिछले साल जो आयोजन किया था जींद के अंदर वहाँ 6 गेट थे, बहुत बड़ा खुला कार्यक्रम था, लोग सारे परेशान है, बाहर से लोग वापिस चले गए। ऐसे कार्यक्रम का क्या लाभ होगा बताइए? जब लोग अपने नेता के बात नहीं सुन सकते, आदरणीय हमारे माननीय श्री नायब सैनी जी आए हुए हैं, उन्हें कोई विचार नहीं सुन सका। उन्होंने अपने बिरादरी के लिए सूरसैनी जी के लिए जो महान आत्मा है उनके लिए जो बोला है वो कुछ सुन नहीं सके हैं। जो लोग वापिस चले गए उसका कार्यक्रम का लाभ क्या? तो अंदर इन लोगों को जिम्मेवार मानते हैं ये जो लोग जिन्होंने यहाँ पे मैनेजमेंट किया है वो लोग सभी जिम्मेवार हैं। जिन लोगों का मैनेजमेंट है वो लोग जिम्मेवार हैं। ये बिल्कुल गलत हुआ, इतने लोग यहाँ से आए हुए, लगभग पूरे हरियाणा से 200-250 किलोमीटर का सफर करके लोग आए हैं, सभी परेशान हैं। धक्के वाली वीडियो मारे भाई साहब, ये कुछ लोगों ने हायर किए, इतना बेवकूफ बना रखा।